Hello guys, today we are going to learn how to create cool DPs for your Chrome browser and email. Search this website jitter.video. So you have to create your free account here. So click on try Jitter for free. Continue with Google. व्हाट शुड वी कॉल यू, जहाँ पर आपने अपना नाम देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करें। कोई भी यहाँ से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं यहाँ से डिज़ाइनर सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाउ विल यू यूज जिटर, तो इनमें से कोई भी आपने एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं एड स्कूल यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद तो डीपी बनाने के लिए आपने यहाँ से क्रिएट फाइल पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू फाइल, और यहाँ से इसकी साइज जो है आपने 360 बाय 360 सिलेक्ट कर लेनी है। अब आपने इस फ्रेम में कोई एक कलर यहाँ से ऐड कर लेना है। मैं यहाँ से कोई भी एक कलर स्कीम जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ इसके लिए। कलर सेट करने के बाद अब हमने यहाँ पर अपनी एक पिक्चर ऐड कर देनी है, और पिक्चर के लिए लाजमी ये है कि उसका बैकग्राउंड ना होना चाहिए। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपने ये वेबसाइट यूज़ करनी है, remove.bg। इस वेबसाइट पे आप इजीली अपनी पिक्चर्स के बैकग्राउंड जो हैं वो रिमूव कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अपनी कोई भी एक प्रोफाइल पिक्चर इस वेबसाइट पे आपने अपलोड करनी है और ईजिली उसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद आपने सिंपली इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करके अपनी पिक्चर डाउनलोड कर लेनी है, और फिर आपने चले जाना है jitter.video वेबसाइट में। यहाँ पर आपने वो पिक्चर इंसर्ट कर लेनी है जिसका बैकग्राउंड अभी अभी हमने रिमूव किया था। तो आपने डाउनलोड फोल्डर में जाकर वो पिक्चर यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, और उसको थोड़ा सा सेट कर लें आप उसकी साइज़ जो है इस फ्रेम के हिसाब से। पिक्चर की साइज एडजस्ट करने के बाद अब हमने इस पिक्चर को एनिमेट करवाना है। तो एनिमेट करवाने के लिए आपको यहाँ पर इजीली एक टैब मिल जाएगा एनिमेशन का। तो हमने यहाँ पर न्यू एनिमेशन पर क्लिक करना है, और पहली एनिमेशन जो हमने सेलेक्ट करनी है वो है स्लाइड इन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट एनिमेशन ऐड हो चुकी है पिक्चर में, और उसके बाद हमने फिर से यहाँ पर एक न्यू एनिमेशन सेलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पर आपने आउट में जाना है। आउट के बाद स्लाइड आउट एनिमेशन अपनी पिक्चर के लिए सिलेक्ट कर लेनी है। तो अब हम इसका छोटा सा एक प्रीव्यू देख लेते हैं कि हमारी डीपी जो है वो किस तरह बनी है। तो अब सिंपली हमने यहाँ से वो अपनी फाइल जो है वो सिंपली एक्सपोर्ट कर लेनी है। तो आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा GIF, इस पर आपने क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर परसेंटेज शुरू हो चुकी है। जैसे ये 100 कंप्लीट हो जाएगी तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड करने का। तो आपने फिर से यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही प्रोफाइल पिक्चर यहाँ से डाउनलोड हो जाए तो आपने चले जाना है अपनी ईमेल आईडी में। और यहाँ पर अपने अकाउंट पे क्लिक करें, एडिट प्रोफाइल, एड न्यू प्रोफाइल पिक्चर पे यहाँ पर क्लिक करें अगेन, और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर का यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपने सिंपली अपने डाउनलोड्स में चले जाना है, और वहाँ से जो हमने डीपी बनाई थी वो वहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देनी है अपने। जैसे ही हमारी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड हो जाती है यहाँ पर, तो हमने उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है। उसकी साइज एडजस्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है, एंड अगेन क्लिक ऑन सेव एज प्रोफाइल पिक्चर। तो अब आप देख सकते हो कि जीमेल आईडी पे सक्सेसफुली हमारी एनिमेटेड पिक्चर ऐड हो चुकी है। तो आज के लिए इतने गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, लाइक एंड सब्सक्राइब AI टूल बॉक्स।